दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक हो चुका है और इसी क्रम में आखिरकार यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में इस प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए अब स्कूल बंद किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद करने का आदेश है। दरअसल दिल्ली की तरफ से यह आदेश आ चुका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने का आदेश अब दिया है समूचे एनसीआर के क्षेत्र को भी। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, 10वीं 12वीं को छोड़ के बाकी दिल्ली में तो बंद करने के आदेश आ गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये क्या सभी क्लासेस को लेकर है और पूरे एनसीआर के क्षेत्र को लेकर? जी हाँ बिल्कुल श्वेता, जिस समय इस मामले की सुनवाई आखिरी चरण में थी उस समय गोपाल शंकर नारायण जो याचिकाकर्ता के वकील हैं अर्जुन गोपाल के, उन्होंने ये साफ कहा कि जब कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने बताया जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का तो पहले से ऐलान हो चुका है, इन लोगों ने ये उत्तर प्रदेश ने बताया कि वो 9वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल 1 से 5 तक के स्कूल बंद करने वाले हैं, बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेज होंगी। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि फेफड़े तो 10वीं 12वीं के बच्चों के भी वैसे ही होते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम राज्य सरकारों को इस पर निर्णय लेने की छूट देते हैं कि वो इस पर निर्णय लें और अपने विवेक के हिसाब से तय करें कि कौन से 10वीं 12वीं के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास करने दिया जाए या फिर उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता हो, क्योंकि ये कहा गया दिल्ली के बारे में कहा गया कि चूंकि 10वीं 12वीं के बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इसलिए उनको स्कूल आना है और बाकी लोगों को छूट मिल रही है। लेकिन कोर्ट ने एनसीआर के जो राज्य हैं जो एनसीआर में आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, ये सारे राज्य हैं, उनसे कहा गया उनकी सरकारों को कि वो अपने हिसाब से फैसला करें और एनसीआर में जो जिले आते हैं उन जिलों में स्कूल कौन सी क्लास तक की छूट रहेगी। लेकिन जिस तरह से लोगों ने सभी राज्यों ने बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है, अभी के लिए बहुत धन्यवाद संजय इस पूरी जानकारी के लिए।